इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे के उनसे मुलाकात हुई, इतना तो याद है मुझे के उनसे मुलाकात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, अरे बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई, इतना तो याद है मुझे। सरकार के शरबत का वक्त हो गया है। अब लाया शरबत, तेरे शरबत के इंतजार में राजेश खन्ना का पूरा गाना गा लिया। अगर और थोड़ी देर नाश्ता तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता था मेरे को। ग्लूकोज की क्या जरूरत है सरकार, शरबत जो आ गया है ना। अरे वो बुझते हुए चिराग उल्टे सीधे जवाब देगा ना तो फूक मार के बुझा दे तो समझा। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आजकल रातों को बहुत सोरा करते। गुस्ताखी माफ सरकार, रात होती है सोने के लिए। जवाब दिए बगैर नहीं रह सकता हा? बड़े लोग कुछ बोले तो खामोश सर झुका के सुन लेना। रात सोने के वास्ते होती मेरे को भी मालूम, मगर हमारे जैसे नवाबों के वास्ते, तेरे जैसे गुलामों के वास्ते नहीं, समझा। आइंदा से अगर रातों में सोएगा तो कॉल सेंटर पे ड्यूटी पे लगा दे तो, वो भी नाइट शिफ्ट में। अब बैलों के जैसा सर न को हिला, हुका दे। फिर शेरवानी जला दिया। जब भी तेरा पिछला हिसाब क्लियर होने वाला रहता तो कुछ ना कुछ नुकसान करके नया खाता खोल लेता। ये इस्तेरी का काम दूसरों से करा लो। पिछले 5 साल से खाली इस्तेरी पे रख दिया काम सिखाते बोल के, सामने के लौंडे कारीगर बन गए। और ये उल्लोगा कारीगर बनेंगे, उन लोगों के ऊपर का माला तुम जैसा खाली नहीं है उसमें भेजा है। अब इसको देखो, सदा ओंगते रहता। फुड़क मुर्गी क्या वर्षा, फुड़क मुर्गी किसको बोले, मर्दों में मुर्गा बोलो। और क्या बोलना रहे तेरे को पीपे, बैठ। मजबूरी का फायदा उठा रहा साला। इन्हें पिछले जन्म में गवर्नमेंट सर्वेंट था, सरकारी नौकर, इसके वास्ते ऐसा है। नुकसान भी भरो फुकट में, तुम्हारे भैरिया भी खाओ। आइंदा से भैरिया मारे तो चालाना नहीं मारना, पहले बोल दे रहा मैं। चलो खामोश काम पे लगो, जहांगीर नवाब की शेरवानी जल्दी रेडी करो। चालाना मार के फकीर भीख मिली तो खुश हो जैसा खुश होता। इसकी यही हरकतों की वजह से इसके पास से चोरी करे तो मेरे को बुरा नहीं दिखता। क्या कुत्ते की जिंदगी है उस्ताद, ना इज्जत है ना पैसा है। वो नवाब को देखो, पेट पे से जान कुर्बान है बोल के फिर भी हर चीज खाने को तड़प रहा, अपनी किस्मत में जहर भी नहीं है। तंदुरुस्ती हजार नेमत है रे, अच्छा खाना नसीब नहीं है तो क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेहत तो है। चल कभी ठाट खिला सुन से बालकनी में आते की। जेब में 60 रुपए है तो बोल, अब भी तेरे को बालकनी में बिठाता हूँ समझा। मगर तेरे जैसे लोग बालकनी में बैठे तो वहाँ भी सीटियाँ मार मार के बालकनी को थटखिलास कर देते। चल अरे लावारिस, मैं वह बैल के जैसा मेहनत कर रहा हूँ, तू या कुत्ते के जैसा लौट रहा, शर्म नहीं है तेरे को। ये धूप में काम नहीं होता, अपने से दूसरे नौकर को देख लो, वैसे भी हल बैल चलाता, ये शेर नहीं। अरे वो धुमकट्टे शेर, इसके वास्ते आपकी बात, तेरे को इलेक्शन में ठहरा रहा हूँ मैं। वो कैसा इलेक्शन में ठहराया तो अपोजिशन वालों से कम तेरे अम्मा कौन थे बाबा कौन थे पता तो चलेगा। का टाइम होगा इसका पता नहीं। आ गए तुम, दुल्हन के जैसा तैयार हो गए, तुम्हारे तो मजे चल रहे, पैरों को मेहंदी भी लगा लेना था। मैं भी कोई ऐश नहीं कर रही हूँ, दिन रात तुम्हारे घर के पीछे घर से जा रही हूँ।
क्या है कि तुम्हारे बात तुम ना लड़ लेते रहो, मैं खा ले क्या तुम। अरे ठहर अनाज के दुश्मन, तू खा लिया तो मेरे को क्या बचेगा। चलो तुम भी खा लेना था। ऐसे रुके बने से बोले तो ना फकीर भी नहीं खाता। वैसे भी मैं खा कर आई। अच्छा हुआ ना आप खा के ऐसे, नहीं तो मेरे खाना कम पड़ा था। अनवर से बात हो गई मेरी, दुबई का वीजा आने वाला है, आते निकलना है। जो बैल अपने गांव में नहीं बिका वो दूसरे गांव में क्या बिकता की। इसके वास्ते तुम्हारे को टीवी ज्यादा नको देखो बोलतो। ये टीवी देख देख के चुरके देने वाले बात बहुत सीख रहे तू। बस है मैं जा रही हूँ, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो रहा। भाई अब सख्त आराम की जरूरत है, फुल खा लिया मैं। जब से क्या कर रहा था रे बहन, चल काम बहुत है। उस्ताद अपन लोग पढ़े लिखे होते तो छोटू मास्टर की गुलामी से तो बचते, डॉक्टर टीचर कम से कम पुलिस वाले तो होते। क्या फर्क पड़ता रे, डॉक्टर आ रहे थे तो मरीजों को लूटते थे, टीचर रहते तो तालीम बेचते थे, पुलिस में रहते तो रिश्वत खाते थे। जब पढ़ लिख के भी यही काम करना है तो खाली पीली पढ़ाई का नाम कहीं को बदनाम करना रे। तुम्हारा इरादा कहीं चोरी करने का तो नहीं है ना। बिल्कुल है, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और महान गायक किशोर कुमार एक जगह बोले, जहाँ सच ना चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट सही। अगर अपन ऐसा नहीं करे तो आने वाली नस्ल अपन दोनों के ऊपर थूकेंगी। चल दुकान पे एक नजर डालेंगे, कुछ तो भी मिलता देख। ये चार खंडिल के पास क्या मिलता भाई, सिवाय सुई और तागे के। ये तो वेल की कॉपी है, क्या है कुछ भी नहीं है। पीछे मशीन में करता रखे। जल्दी ये देख, नवाब की झूठी शान, नवाब शहबाज जंग की शेरवानी का बटन। सुबह नवाब साहब के पास ले आके दे देंगे, अच्छा इनाम मिलता अपने को। खामोश बैठ, उन्हें जो इनाम देंगे ना उसमें आधा किलो आम भी नहीं आते। यही अगर अपन ले जाके दिलावर खान के बाजार में बेचे तो एक आम का झाड़ खरीदे उतने पैसे मिलते, समझा। क्या चीज मिली समझ रहा तू। अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई। है और भी दुनिया में चोर उचक्के बहुत अच्छे, कहते हैं कि अकबर बिरबल का है अंदाज ही कुछ और। आओ बहुत दिनों बाद हमारे दरबार की याद आई। अब रोज रोज आपके दीदार करे जैसी हमारी खिस्मत कहाँ है भाई, बरसों में एक बार चांद ग्रहण सूरज ग्रहण को देखे जैसा आपको देख लेते। समझ के बाहर है मियां तेरी बातें। खैर क्यों आया बोल। एक छोटा सा नजराना लाए थे आपके हस्ते, कबूल कर लिए तो इनायत होंगी। ना मुगलों की सल्तनत बाकी है ना आला हजरत की हुकूमत बाकी है, शान तो सारी खत्म हो चुकी दिलावर, ये एक शेरवानी का बटन बाकी है। वाह वाह क्या बात है भाई। शबनम के खतरों से प्यास नहीं बुझती मियां, एक आध बड़ा हाथ मारो ताकि हम तुम्हें एक ही झटके में बड़ा बिजनेसमैन बना सकें। अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे। नवाबों के माल पे अच्छी हाथ की सफाई दिखा रहे हो। हाथ साफ नहीं कर रही बल्कि उनके माल को चोरों से बचा के हिफाजत से आप तक पहुँचा रही। ये लो साइज देखो तो लगता है कि अभी पूरे बने भी नहीं थे मियाँ, टटोलने की नौबत है और बातें ऐसी बड़ी बड़ी। ऐसी बात नहीं है भाई, हम पैदा हुए जब कॉम्प्लेन मार्केट में नहीं आया था, नहीं तो हम लोग अभी 6 फुट के नौजवान होते थे। क्या रे अब ज्यादा बात मत कर, टाइम अच्छा नहीं चल रहा, चल निकल ले यहाँ से। जी शुक्रिया भाई। खराबाद की जमीन का क्या हवा, उसी की बात चल रही है। अच्छा। काम हो जाए तो 10 करोड़ की बात कर लीजिए, कल ही एडवांस क्या झूमर लगाया भाई। शहर के पूरे अय्याश खोर यही दिख रहे मेरे को। वाह क्या पैसा लुटा रहे हो सत लोग। मेहनत से नहीं कमाए रे, मेहनत से कमाए तो ऐसा नहीं लुटाते। वो सब जान दे मैं नवाब तो दिख रहा हूँ ना। पूरे नवाबा पानी भरना तुम्हारे सामने। ऐसा बोलता, चल आज तेरे को पार्टी दे दो। इल्लों से अच्छी तो हमारे उस्ताद की दिख रही शेरवानी। अरे लीजिए ना साहब, अन्ना शरबत चारों के हाथ से। अरे क्या बड़ा आदमी निकला भाई नवाब, शाहरुख खान को वेटर रख लिया। और ये फिल्मा नहीं चल रही ना आजकल, पब्लिक सिर्फ हैदराबादी कॉमेडी होने पर रही, समझा। मैं सुना ऋतिक रोशन काइट्स के बाद पतंगा बेच ले रखे थे। ऐसा और कुछ चाहिए साहब आपको। अरे जरूरत पड़ी तो मंगा लेते शाहरुख भाई। मेरी शेरवानी
जरा मैं खाने को पूछेगा देख क्या तू। ये शेरवानी। अच्छा तुम्हें पसंद है तो हम तुम्हें पार्टी के बाद दे देंगे। हम चंगेजी खानदान के वारिस, तेरे से शेरवानी पूछेंगे? योर हाइनेस, इसने आपकी शान में गुस्ताखी की क्या? ये आदमी हमसे हमारी शेरवानी मांग रहा है, जबकि हमने इसे कह दिया है कि हम ये शेरवानी तुम्हें पार्टी के बाद दे देंगे। मगर नए फकीर को भीख की जल्दी, तो इसे भी जल्दी है। ये शेरवानी हमारी है, हम छोटू दर्जी को दिए थे ड्राई क्लीन में धोने के लिए। जरा सुनिए आप लोग, ये मेरे गरीब दोस्त को परेशानी में इतना भी याद नहीं कि दर्जी के पास शेरवानी सिलाने के लिए दी जाती है, धुलाने के लिए नहीं। चलिए, ये आदमी आपको पागल कर देगा। आइए, चलो उठो बा, नवाब शेर खान साहब बैठते। आप कौन से एरिया के नवाब है? बैगनपल्ली के नवाब है। ऐसे कैसे हो सकता, बैगनपल्ली के नवाब तो हम हैं, नवाब इकबाल खान रईसतौला। तो क्या बड़ी बात है, बैगनपल्ली में तुम्हारे सर के छोटे मोटे नवाब होते हैं। वहाँ के सब नवाबों को जानता हूँ, लेकिन इन्हें कभी नहीं देखा। क्या हरकत कर रही है अकबर बीरबल, बड़े लोगों की महफिल में आके क्या तो भी कर रहे हैं छोटे? नवाब साहब की शेरवानी उतार। तुम लोगों को मालूम रे, इतने गलतियों के बाद भी काम पे से कई को नहीं निकाला? लाइफ टाइम फ्री एक्टिवेट है बल्कि। नहीं, बल्कि तुम लोग बेवकूफ है, बदमाश और चोर नहीं। मगर आज जो हरकत करे ना उसे नवाब साहब तो क्या, मैं भी माफ नहीं कर सकता। तुम लोगों के ऊपर से भरोसा उठ गया रे, उठ गया। भरोसा उठ गया तो फिर हमारा हिसाब करके भेजा दो ना। काय का हिसाब पूछ रहा रे? हाँ, पिछले 5 साल का। आज जो हरकत करे ना पार्टी में, और साथ साथ जो है शहबाज जंग के बटन की चोरी का इल्जाम उल्टा तुम लोगों के ऊपर 15,000 रुपए चढ़ गए रे। अब घस लेते रहो, घस लेते रहो। क्या रे, ससुराल वाले घरदामा से फुगट में कामा करा जैसा कामा करा आपने से? ससुराल वाले तो भी बेटी को देख के कामा करा थे, यहाँ तो वो भी नहीं है छिटकू के पास। ये मगर अपन भी घरदामा सौदे में से पैसे चुराए जैसा इसके कितने की चीजें चुरा लिए, मगर इसको एक ही काम पे लगो। चलो चल, ढीला रेस हो जा रहा, हंसने बोल के चलाना मारेंगे। इतने छोटे काम के लिए आपने क्यों जहमत गवारा की? अगर आप हुक्म करते तो हम खुद हाजिर हो जाते और बटन टाक देते। हम चीफ मिनिस्टर की बेटी की शादी में जा रहे हैं, और पहली बात तुम ये हम मत बोल, छोटे लोगों के मुंह से हम अच्छा नहीं दिखता। दूसरी बात, ये शेरवानी के बटन इतने महंगे हैं कि हम खुद अपनी मौजूदगी में टकवाने आए हैं। ठीक है, नवाब साहब की शेरवानी के बटन जल्दी जल्दी टाको रे। मारे तो टाका नहीं तो फाका है। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने को सा। मैं पेशाब करके आता हूँ, जा तू टाक के रख। अरे तू निकलो जी, मैं आ रहा हूँ। चलो तू रुपये कर दिया देख मैं। ठीक है सर। छोटू, चिराग या मोमबत्ती जलाओ। अच्छा सरकार। चल बेटा बिरबल, यहाँ से निकल ले। अरे ओ मोटू, मेरी शेरवानी दे। अरे मेरी शेरवानी दे। छोटू, मिल गई। क्या मिल गई? गाड़ी की डब्बी। अरे मेरी शेरवानी। शेरवानी तो हाँ, अगर मेरी शेरवानी नहीं मिली तो गोली मार दूंगा। उस्ताद, तुम वीरप्पन के गैंग में थे क्या? जंगल के पूरे रास्ते मालूम तुमको? उस्ताद के साथ रहकर अब चोरी भी सीख गया, आगे क्या क्या सीखना पड़ता कि अब। उस्ताद, छुपने की आवाज़ से ये भूत पगला मिला तुम्हारे को? ऐसे जगह सेफ है तेरे, यहाँ पे सिवाय शैतानों की और कोई नहीं आता, समझा? अब डर रखो, आ खतरा टले तक ये भूत बंगले को अपना घर समझ। चल कहीं को डर रहा, मैं हूँ ना। अहिले गले में ताबीज भी नहीं है, जिम में पलीता भी नहीं है, कहाँ फंस गए रे भैया। वाह उस्ताद, जरा हीरा निकालो ना, देखेंगे मेहनत का फल कैसा रहता है। ये देख, अब ज्यादा ना को देख, ज्यादा घुरा तो फूट जाएगा, तेरी नजर अच्छी नहीं है। एक दो दिन में सौदा करके दूसरे सिटी को शिफ्ट हो जाएंगे, समझा? उसके बाद लाइफ फुल एंजॉय करेंगे। तब तो फिर मैं जिम ज्वाइन करके दुबला हो जाता। ऐसा फिर तो फेमस हो जाता तू। वो कैसा? देख, अब तू जिम ज्वाइन करके दुबला हो गया समझ, हाँ? तो जिम वाले क्या करते, तेरी फोटो निकाल के सुलाब कॉम्प्लेक्स पेशाब खानों पे लगा देते और नीचे लिख देते बिफोर आफ्टर। क्या बेइज्जती करते हो उस्ताद। अच्छा चल जान दे, सो जा, आज के बाद बड़े बड़े ख्वाब देखना है अपने को। चाहते हैं तो पूरे भूतों के ख्वाब आते।
ये पेट की आग हीरे मोती से नहीं बुझती उस्ताद, कुछ खाने का इंतजाम करो। खामोश बैठ, तेरी ये गेंडी जैसी चर्बी को 40 दिन खाना नहीं मिला भी तो फर्क नहीं पड़ता, समझा? तुम तो चाह रहे होंगे मैं मर जाना बोल के, पूरा माल अकेले हड़प लेने को। वैसी बात नहीं है रे, मैं सोच रहा हूँ इतना सारा माल एक साथ देख के कहीं दिलावर शैतान तो नहीं बन जाएगा। पैसा बहुत बुरी चीज है उस्ताद, अच्छा खासा इंसान भी शैतान बन जाता, उन्हें तो पहले से ही शैतान है। एक काम करता हूँ, ये हीरा ले जाके उसकी नियत आजमा के आता। मैं भी चलता हूँ ना उस्ताद, ये शेरवानी पहन के बाहर ठहरता हूँ। चुप बैठ गेंडे, ये शेरवानी है, गौ तकिए का खिलाफ नहीं है। तेरे आंग पे अगर कोई ये शेरवानी देख लिया ना, 25 लाख क्या 25 रुपए भी नहीं देता, समझा? और सुन, कोई भी दरवाजा खटखटाए तो नहीं खोलना, क्या बोल रहे हो? तुम भी आए तो नहीं खोलना। अरे हौले मल्लू, मैं आए तो खोलना, दूसरे आए तो नहीं खोलना। एक काम कर दो, मैं कोडवर्ड यूज करता हूँ। क्या कोडवर्ड यूज करते? खुल जा सिम सिम, ऐसा कोडवर्ड यूज करता हूँ जब खुला, समझ गया ना? अब तुम आए थे टुट्टी खबर में, मैं अकेले रहना? हर इंसान अपनी खबर में अकेले रहता रे, आप खामोश मेरे आने तक इंतजार कर, खुदा हाफिज। देखे हैदराबाद उतरते ही बिरयानी की खुशबू आ रही। चल तेरे को फैमिली पैक खिलाता हूँ, चल। कहा गुटका दो भाई? ये गुटके खा खा के मुंह पूरा उगालदान बना लिया, और थोड़े दिन खाया तो मुंह सुलाब कॉम्प्लेक्स बन जाता। मुंह अल्लाह का दिया हुआ है, ऐसे गंदे मिसाला नहीं देना। और ये अल्लाह मियां भी मुंह पाक साफ चीजा खाओ बोल के दिया, खैर खाओ बोल के नहीं दिया। पैसे दे, वो भी मैं दूं क्या? बैल देख रहे नवाब साहब कैसा घूर रहे, देखो बेशर्मा, तेल लगा के बाला चिपका लिए तो नहीं पहचानते, समझ रहा? अरे नमचूरी हमचूरी, जी भाई, इन दोनों को गाड़ी के अंदर डालो। अरे 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 तुम लगाओ, अरे शेरवानी अभी खड़ा कर बैठ जा, छोड़ कोने में बैठ जा, गाड़ी में बैठ, तो भी अंदर बैठ जा, कहीं गाड़ी में बिठा रहे क्या? तभी लेके जा रहे, अरे मेरे प्लेन का टाइम हो रहा भाई, अरे क्या तभी लेके जा रहे तू लगा? हां बोले कई दिनों से कोई कीमती माल भी हाथ नहीं लगा, धंधा मंदा चल रहा है, इससे तो बस क्रैप का धंधा। दिलावर भाई, आज एक ऐसा आइटम लाया हूँ जिसको आज तक आपके बाप दादा भी नहीं देखे होंगे। छोटे धंधे में बाप दादा को बीच में नहीं लाते। माफ करना दिलावर भाई, छोटा आदमी हूँ ना, खुश होने भी नहीं आता। चल माफ किया, बोल क्या लाया? क्या चीज लाया है इसको खुद नहीं मालूम होगा। कॉमन आइटम है। क्या बात कर रहे हैं दिलावर भाई, खानदानी नवाब की शेरवानी की जीनत को कॉमन आइटम बोल रहे हैं? पूरा सेट है तो बोल, 2.5 लाख देता हूँ। 5 लाख की पार्टी को अपन पीठ दिखा के आ गए। चल बैठ के बात करेंगे। तो आजकल पार्टियों के पास भी जा रहा बोल। पूरा सेट ला, 5 लेके जा। क्यों रे भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है दिलावर भाई, उसूल भी तो कोई चीज है, है? मैं सेट लेके आता हूँ। साला सूरत से तो खेत लाए लेकिन काम लाखों का कर दिया। जा रहे इसका पीछा करो और देखो माल कहाँ छुपाया। कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए। दिलावर अगर 5 लाख बोल रहा तो ये हीरे कम से कम 25 लाख के हैं। आज अपन संजय दत्त के जैसा बड़ा हाथ मार लिए। छोटू नवाब आ देखे जरा किस में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। जल तू जलाल तू, आई बोला को टाल तू, जल तू जलाल तू, आई बोला को टाल तू, जल तू जलाल तू, आई बोला को टाल तू, जल तू जलाल तू, आई बोला को टाल तू। अरे हैबस से मर गया क्या गुल्लती पोटा? कौन है? अरे कोडवर्ड भूल गया मैं। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। उस्ताद ही चुन गए।
किस्मत की खोटी जान जाओ प्याज रोटी। अब क्या हुआ? अरे हीरे देखते दिलावर की नीयत खराब हो गई, अनाकोंडा के जैसे आदमियों को पीछे लगा दिया। एक काम करेंगे, आज रात यहीं गुजार लेंगे, कल सुबह शिफ्ट कर लेंगे यहाँ से। अब फिर भूखे पेट सोना है? अब गम खा और आंसू पी, समझा? कल सुबह में तेरे को मुरख की नारी खिला दो। चल दम गए वास्ते पानी डालते। चार मीनार ये बैग में नहीं आता। अबू कहाँ चले गए थे आप? टीपू चाचा फोन नहीं करना। हैदराबाद में क्या कर रहे हैं? और ये क्या सूरत बना के रखे रे मनु सूरत? जादू भी है क्या है रे साले? स्टाइल भी बदल दिए। कौन तो भी है लोगा? क्या है कि उस्ताद समझ में नहीं आ रहा मेरे को भी। कौन है आप लोगा? कौन है? दिमाग की बीमारी लग गई क्या? भूल गए ऐसी छोटा रे शहर की हवा खाने से सांड भी बैल हो जाता। चलो चलो मैं समझाता हूँ, गांव को ले जाके तुम लोगों का ऐसा इलाज कराता हूँ, ऐसा इलाज कराता हूँ, आवाज नहीं करना। चलो अंदर कुत्ते पकड़ने की गाड़ी दिख रही है। अरे रास्ते तमाम पूछ रहे हो, कौन तो भी आप लोग बोल रहे कहीं कुछ भी, पूरे के पूरे खामोश बैठे हुए। ठहरो भाई, अरे बैग को ले जा रहे भाई हमारे अंदर। क्या है मियां कहीं को परेशान हो रहे? तुम्हारा बैग तुम्हारा बीवी लेके जा रही ना। अरे ये क्या सिस्टम है, कौन बीवी किसकी बीवी? क्या हुआ रे तेरे को, कहीं को ऐसा कर रहा? अब देखती हूँ ना ये दुबई कैसे जाते हैं। अम्मा जिसके लिए तुम इतने दिन से परेशान है तुम्हारे को मालूम ने क्या बोल रहा? हाय अल्लाह क्या बोल रहे? क्या है रे दिमाग खराब हो गया, नहीं पहचानता तेरा बीवी को? अरे शहर से किसको भी उठा के लाके किसका भी मर्द बना देते क्या? ऐ मेरे परवरदिगार ये सुनने से पहले मेरे को मौत कहीं को नहीं आ गई। चिल्लाने के वास्ते इतना बड़ा मौत दिया ना काफी है, जाओ मेरा बैग लेके आओ। चीचा कौन सा गाँव है ये? गुलटा से दिया ना मालूम ना, जो गांव में चड्डी पहन के फिरता था वो गांव भूल गया। मैं चड्डी पहन के फिरता था? उस्ताद ये खूनखार गाँव दिख रहा मेरे को, जो मुसाफिरों को लाके लूटते। देखो ये टकला इनका सरदार दिख रहा। देखो सुल्तान तेरे बीवी के साथ कोई झगड़ा है तो हम सुलह कर देते। इधर उधर क्या देख रहा मियां? ये सुल्तान कौन है देख रहा हूँ? सरपंच साहब अभी मैं जवानी की 21 बहारें नहीं देखा अभी तक और आप मेरे को दो बच्चों का बाबा बना दे रहे, क्या है? आए देखो आपा हमारे को हमारा बैग लाके दे दो जाना है। आप मेरे को आपा बोले? हाय अल्लाह ये आदमी मेरे को आपा बोल रहा, मैं तो बर्बाद हो गई। ये तो पूरा पागल हो गया। ये क्या कर रही है भाई? अब ऐसा नहीं होता ये दोनों को रूम में डाल के बंद कर दो। अरे मैं शेड फाड़ देते क्या भाई? अरे आ जाओ सदा, आ जाओ घर में कोई भी नहीं दिख रहा, बैग ढोल लेके निकल जाएंगे। आ जाओ चल, पुराना गोदाम है घर ये, जल्दी झूले तो बैग मिल जाता भाई। अब जितना टाइम अपन बैग ढूंढने में लगा रहे ना इतना टाइम अगर इंडिया गरीबी हटाने में लगाता ना तो आज अपन दोनों के दोनों चोर नहीं रहते थे, समझा? अब सुकून दिख रहा है। हाथ निकाल पीछे से, जब देखो हल्लाख में उंगलियां करते रहता, फिर ये इफ्लास हरकतों की वजह से आज इस मुश्किल में आके फंसे हुए अपन। चलो खाना, ले लो खाना। चिच्चा ये अकबर बीरबल दिखने में कैसे? तुम दोनों ही तो है। क्या तू भी बदकमा है रे, चार लोग एक सूरत के कैसा हो सकते? क्या हुआ मिल गया? मिल गया नहीं मिली। क्या तो भी मिली रे, ये तो अपन लोग ही थे ना रे। मगर मैं मर गया अभी तो ऐसा दक्षिणानु सीरियस स्टाइल नहीं रखता, फिर अपन कब खींचा रजिया पर बच्चों के साथ फोटो? फिल्मी फंडा दिख रहा है मेरे को, फिल्मों में डबल एडिंग होती। देखो फिल्मों में भी एक सूरत के दो आदमियां रहते, मगर दो सूरत के चार आदमियां कैसा रहते रे? क्या है कि उस्ताद जब से कंप्यूटर का जमाना आया मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, ये अजब कंप्यूटर का गजब तमाशा दिख रहा। क्या है कि छोड़ कोई तो भी आ जाएंगे, टाइम नहीं है अपने पास, चल बैग ढूंढ के चल। फोटो देखे जब से दिमाग काम नहीं कर रहा, मोटा सेम मेरे सर का है और उस्ताद भी, समझ में नहीं आ रहा। देख क्या हो रहे हो दोनों चोरों को। आपके शहर की मेहमान नवाजी की तारीफ सुना था मगर आपकी मेहमान नवाजी जेल से बदतर है। मेहमान नवाजी सिर्फ मेहमानों के साथ होती है, तुम जैसे चोरों के साथ नहीं। क्या चोर चोर की रट लगाए साहब, जिंदगी बर्बाद करके रख दिया मेरी। अरे मेरे बीवी बच्चे मेरे फोन का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को तो ये भी नहीं मालूम मैं दुबई पहुंचा या नहीं पहुंचा। मेहरबानी करो साहब छोड़ दो हमारे को। अगर तेरे घर में शेरवानी है
तो घर को फोन करके शेरवानी मांगा और तुम लोग दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। साहब, हम गांव के मेहनत कश लोग हैं साहब, शेरवानी क्या, हम किसी की चड्डी भी नहीं चुराते साहब, मगर आप इंसान नहीं हैवान है साहब, और हमारी आजादी छीन लिया। अगर आप ज्यादा बोला तो तेरी जबान खींच लूंगा। अरे और कर भी कह सकते हैं। रुको भैया, भैया रुको, मेरे सलीम को छोड़ दो, ये मेरे सलीम है, मेरे सलीम को छोड़ दो, मेरे सलीम को छोड़ दो, भैया छोड़ दो इन्हें, क्या कर रहे हो मेरे सलीम के साथ, ये मेरे सलीम है भैया, इनको छोड़ दो भैया। क्या उस्ताद बैग नहीं मिल रहा? और क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को भी। आए समंदरी लुटेरे लूट के लाए, ऐसा ला लिए, गांव में कानून नाम की कोई चीज है या नहीं है? कानून तो हर जगह है सुल्तान मियां। यहाँ का कानून तो पूरा सपाट दिख रहा। रे जबान लंबी चल रही तेरी, मुसल कसू क्या, पड़े से उतकुता बिड़ा। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने पेशेंट का है, कहाँ रे पेशेंट? यही दोनों है देखो। अब घटा पेशेंट, अरे ये पेशेंट अब घटा। अरे अरे ये तो बंद है, खुला लेना था। अरे ये भी बेकार है, चेंज करा लो, चेंज करा लो, बड़ा डॉक्टर हूँ मैं, ऐसा बात क्या है, मैं कैसे कैसे लोगों को ऊपर पहुंचा दिया, अब तेरी बारी है। एक सेकंड, एक सेकंड, जोओं का डॉक्टर, जोओं का डॉक्टर नहीं हूँ मैं, देख रहा हूँ। अरे हमला गजनी नहीं है जो सिर पे चोट लगी, मैं तो खुद पागल दिख रहा। ए चलो चलो, पागल हो गए तुम, निकलो निकलो। कौन पागल? ए मैं फिराऊंगा, छोड़ूंगा इनका इलाज कैसा करना मेरे को मालूम है। अभी टकला इलाज करता शायद। मैं बहुत परेशान हूँ, इन्हें मेरे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, अब क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। रजिया आपा, कई को परेशान हो रहे, मैं आ गई ना सब ठीक हो जाएगा, तुम रो ना को। जीजा जी, आप ये अच्छा नहीं कर रहे, मेरी सहेली के जैसी बीवी। अरे रे 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 रे, आपको दुनिया में नहीं मिलती। ये कोहिनूर हीरा लंदन से वापस इंडिया में कब आ गया? इसको देख के अमर अकबर अंथोनी की नीतू सिंह याद आ रही मेरे को। पर्दा है, 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 पर्दा, पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नहीं है, पर्दा नहीं तो मैं पर्दा ना कर दूं तो अकबर में अब 21 दिन तक ये गांव से जाना ही नहीं है। ये धुआं कहाँ है रे, घर को आग लग गई या कोई कचरा जला रहा बाहर? उस्ताद मेरे को ये बेहोश करने वाला धुआं दिख रहा। अब चल अंदर जाके देखेंगे। हाँ चल देखेंगे। चल चौदवी का चांद हो आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। कमीनी डाइन, जीने तुड़ा बांधी तो इस वास्ते मुझे खैरों के पास ले गई थी, ताकि मेरा शोहर तेरा दीवाना हो जाए। आपा, मैं अनबिहाई बच्ची पे ऐसे इल्जाम नक्को लगाओ, फिर मेरे से कौन करेगा शादी? मेरे घर उजाड़ के अपना घर बसाना चाह रही है करम जली? रजिया आपा, एक अनबिहाई बच्ची पे ऐसे छिछोरे इल्जाम लगाते हो, आपको जरी लज्जा नहीं आई? चुप। या अल्लाह, इनु फिर से मेरे को आपा बोले, या तो इनको उठा ले या फिर मेरे को उठा ले। आप शादी की फिक्र नको करो, उसके वास्ते मैं हूँ ना। छी, ये गांव वाले स्मार्ट लोगों को नहीं पसंद करते शायद। हाँ, इसलिए मेरे को भी कोई भी नहीं पड़ रहा। ये अचानक नवाब इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा भाई? क्या है, मेरे को तो मेरे बीवी बच्चे याद आ रहे हैं, क्या हाल हो रहा है उन लोगों का?
अचानक ये मेहरबानियों का मतलब भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मतलब तो साफ है अकबर मियां, तुम हमारे लखते जिगर को पसंद आ गए। सलीम, सलीम, मेरे सलीम, कहाँ थे तुम सलीम? भैया ये मेरे सलीम है, कहाँ थे तुम सलीम? कैसे थे तुम? अच्छा हुआ तुम वापस आ गए सलीम। भैया कुछ समझाओ हमें। ये पागल नहीं, मेरी बहन है, इसकी शादी तेरे से होने वाली है। और एक भाभी। चुप बैठ, क्या तो अभी दीवाना बना है? क्या है साहब, मैं शादीशुदा हूँ, दो बच्चों का बाबा हूँ। एक काम करो, इससे कर दो, इन्हें कुंवारा भी है, मेरे से स्मार्ट भी। अच्छा जी बोले, कौन करेगा पागल लड़की से शादी? मेरे से शादी कर लो ना सलीम। हवेली को सजा दो, शादी की तैयारी करो। चलो जल्दी जल्दी खाओ, स्कूल का टाइम हो रहा। गाँव में पोल्यूशन नहीं रहता देख, इसके वास्ते सुल्ताना का चेहरा एकदम ताजा है। तुम भागने का प्लान सुनते बोले तो ये तारा बासी के चक्कर में नको पड़ा होता। अरे जंगले, तू वक्त से पहले बुढ़ा हो गया, तेरे को खदीम हलवों की जरूरत है, समझा? तेरे को क्या मालूम जवानी क्या होती। और फिर वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। चलो ले लो, आखिरी निवाला है, खा लो। खुशी की लड़ी जल्दी मुंह खोलो, चलो चलो टाइम हो रहा, चलो चलो जल्दी चलो स्कूल का टाइम हो रहा, भागो। मैं भी मौके की तलाश में हूँ, मौका मिलते बैग लेके निकल जाना है। अबू स्कूल को चलो, रिपोर्ट लेने जाना है। फिर अबू क्या मुसीबत है रे भैया, तुम ला चलो, मेरे काम है जरा। आप नहीं चलो तो हम भी नहीं जाते। अच्छा एक शरत पे चलता हूँ, वहाँ जाके अबू नहीं मामू बोलते बोले तो चलता हूँ। ओके मामू। अगर वहाँ चल के आपा आपा बोले ना तो फिर देखो। मैं चाह के आता हूँ, आज तक बैग ढूंढ के निकाल। अंदर आना। मैं भी कमिंग सर। यस कमिंग, प्लीज बी सीटेड। पहले आप मुझे ये बताइए, मैं आपको इतने दिन से बुला रहा था, आपको अब फुर्सत मिली? अच्छा खैर छोड़िए, ये बताइए कि आप दोनों को ये शाहरुख और सलमान ही है या आमिर भी है? जी नहीं, सिर्फ सलमान और शाहरुख ही है। अगर आमिर भी होता ना तो खानों की अच्छी खासी केमिस्ट्री हो जाती। बिल्कुल सही बोले आप, ये बात में भाईजान मिले तो जरूर पूछूंगा। क्या पा? ये बच्चे किसके हैं? आपा और भाईजान के। What nonsense! जब ये बच्चे आपके हैं, ये बीवी आपकी है, तो फिर ये आपा आपा क्या है? मास्टर जी इनू पागल हो गए, इनको इलाज की जरूरत है। खैर छोड़िए, आप रिपोर्ट दीजिए। हाँ ये रही रिपोर्ट। देख रहे आपा, किसान के बच्चे एक एजुकेटेड आदमी की सोबत में रह के फर्स्ट क्लास पास हो गए। उठो चलो यहाँ से। अगली रिपोर्ट सुल्तान भाई खुद आके लेंगे। सुल्तान भाई। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। इमली के खेत में तितली। देखो जीजा जी, आपको छिछोरी हरकत नहीं करना बल्कि आपके बच्चों को साथ लाई। अरे क्या मैं इमरान हाशमी हूँ जो नादिदे को मलिदा मिले जैसा गप गप खाने? क्या है वो डिसेंट आदमी हूँ भाई मैं। अब्बा को इमली का अचार होना, इस वास्ते इमली तोड़ने आई मैं। आपके बाबा को अरवे लगे क्या? क्या बोले? नहीं ऐसा नहीं, मेरा मतलब इमली की चटनी खाने की उम्र आपकी है, आपके बाबा की नहीं। अब मैं जा रही हूँ। झाड़ के नीचे बैठ के प्यार मोहब्बत की बात करते थे। मैं भी जाके अम्मी को बोलता हूँ, अब सुल्तान आंटी का हाथ पकड़ा बोल के। हाँ मैं भी बोलता हूँ। चलो बच्चों आज इनका काम करेंगे। अरे जाओ रे, बोलो जाओ, कौन डरता तुम्हारी अम्मा से? क्या आइटम है उस्ताद, मैं कौन सा नेक काम कर रहा था कि जो मेरी भीख की जिंदगी में टमाटर की चटनी बन के आई। चाहिए तो दे भाई। चाय है, प्यालियां 200 पानी है, ये अच्छी तो बनाना था। ले 10 रुपए पहले के पैसे देने के है ना? के पैसे पुराना पैसे बाप देते, पैसे दो। किसके पैसे? पैसे दे रहे भाई, पैसे दो, पहले के पैसे देने के है ना? अरे नखरे कर रहे, पुराना पैसे देने के है ना? ढूंढ रहे बेटा, मिला तो सही, पैसे तो देने वाला नहीं है तू। मारो रे पूरे मिल के उसको, देओ रे, आओ रे फसलिया, मारो इसको। मैं के पैसे दे रहा हूं अब्बा, छोड़ दे भाई अब्बा। अरे कीड़े पड़ो तुम लोग। उस्ताद क्या हुआ रे? हमारे भाई मेरे को तो चौतरफ से फुटे ढोल के जैसा फुट गया, कौन करे ये हालत?
गांव वालों के पैसे देना है कितने भाई पूरे मिल के मारे भाई। अरे हौले मारे तो मारा खा क्या जाता, एक आध बस दारी उठा के आंख पे डाल देना था, तेलुगु पिक्चर आने देखता। चल कोई बात नहीं, गांव से निकलने के टाइम एक एक को चुन चुन के मजा बताएंगे। जैसे पैसे तो नहीं लिए ना तेरे? तेरे पैसे नहीं है बल्कि मारे भाई। क्या सोने के कलम से किस्मत लिखा के लाया मियां, पहले नौकर फिर चोर उसके बाद इतने बड़े खानदान का इकलौता दामाद। ठहर बेटा, आज नवाब साहब के हाथों तेरी पिटाई नहीं कराया तो मेरा नाम भी सुल्तान नहीं। जोर से बोलो ना मेरे कान में क्या बोल रही अनारकली बे दिल है सो। क्या गड़बड़ है वो? कुछ भी नहीं नवाब साहब। कुछ भी नहीं क्या, हिम्मत है तो साफ साफ बोलो। तुम बोलो। अनारकली मस्त माल है, बरसों से मेरी नजर थी, तू बीच में आके उड़ा के ले जा रहा करते। घटिया आदमी, क्या बोला, चंगेजी खानदान की बच्ची को माल बना? नवाब साहब तुम्हारे अम्मा की कसम, मैं ऐसा नहीं बोला जी, ये छोटा झूठ बोल रहा। नवाब साहब की जन्नत नसीब अम्मा की झूठी कसम खाता रे। अरे झूठे, हमारी मरुम अम्मा की झूठी कसम खा रहा। अम्मा और आपके घर दामाद को छोटा भी बोला नवाब साहब? हमारे घर दामाद को छोटा बोला? अम्मा इन दोनों से इज्जत से पेशा, समझा? खुरचनो, अरे चल जा रहे फुसफुसे, तुम लोगों को देख लेता हूं, देख लेता हूं, चल। अरे टीपू, मेरे को रजिया और बच्चे याद आ रहे रे। अरे तुम फिकर क्यों कर रहे सुल्तान भाई, ऐसी प्लानिंग कर रहे हो यहां से भागने की, इंशाल्लाह खाली तुम देखो बस। तेरे ऊपर शिकायत है, गांव में लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा, इदंता एंद बीटा। अरे टीनेज में ऐसे गलतियां हो जाते साहब तो आप क्या फांसी की सजा देते? देख सुल्तान, अपनी बीवी के होते हुए किसी गैर औरत पर नजर डालना तेरे लिए गुनाह है। ये तो ये खासी साहब, जब से ये हैदराबाद से आए हैं मेरे को आपा आपा बोल के मेरे जज्बातों को ठेस पहुंचा रहे। बीवी को जानबूझ के बहन बोलना बहुत बड़ा पाप है सुल्तान। अरे मैं 10 बार बोल रहा हूँ, मैं सुल्तान नहीं अकबर हूँ बोल के, मगर आप लोग है कि बार बार रिलायंस का चिप एयरटेल के हैंडसेट में एक्टिवेट करने को जा रहे हैं। सुल्तान मेरे पास तेरा निकाहनामा है और सारे गांव वाले गवाह है कि तेरी शादी रजिया से हुई है। हमारे लाल बादशाह पागल गांव वाले बोले तो आपको यकीन आ रहा, शहर का एक इंटेलिजेंट आदमी बोला तो यकीन नहीं आ रहा आपको? अगर तू अकबर है तो कोई प्रूफ है तो बता। हैदराबाद में ऑटो में फिर के ऐलान कर रहे थे कार्ड बना लो बोल के, अभी ऐसा आईडी बना है, आज अगर कार्ड रहता तो टकले के मुंह पे मारता था। क्या सोच रहा रे तू, तेरे को अकबर के नाम से कोई पहचानता तो बता। क्या बात बोल रहे सरपंच साहब, उस्ताद को पूरा हैदराबाद पहचानता। ऐसा तो आज ही जाएंगे हैदराबाद और मालूम करेंगे तुम लोग कौन है। हैदराबाद गए तो नवाब और दिलावर मिलके अपना शोरमा बना देते। हम हैदराबाद में नहीं रहते, मुंबई में रहते और मुंबई में हमारा कोई भी नहीं पहचानता। क्या है रे, हौला दिख रहा हूं मैं, कभी मुंबई कभी हैदराबाद, 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ, सुधर गए तो अच्छा है, नहीं तो पुलिस के हवाले कर देता हूँ। गांव में ऑक्टोपस पॉल रहता तो अभी क्लियर कर देता था कि मैं सुल्तान नहीं अकबर हूँ। खरीद लेंगे ऑक्टोपस। सुल्तान अगर तू पागलपन में अपनी बीवी को बहन कह रहा है तो इसका इलाज है, अगर जानबूझ के कह रहा है तो तेरे लिए ये रिश्ता खत्म। खत्म हो जाओ या किसको, अपन तो सुल्तान है ही नहीं। बस अल्लाह खैर करे। उस्ताद ये गांव वाले तुम्हारे रजियापा का मर्द बना के छोड़े सरकार दिख रहा मेरे को। इतने दिनों में एक बात समझ में आई रे कि रजियापा का मर्द सूरज चाल ढाल में मेरे जैसा है बोल के। सोने पे सुहागा उनका नौकर टीपू भी मेरा सरकार दिखता करते। कुछ भी हो बाप, सारी दुनिया भी अगर अपने को रजियापा का मर्द बना देना तो अपन ये बात ना माने हैं ना मानेंगे। और जरा सुल्ताना के मामले में सीरियस नको, नहीं तो पूरे गांव वाले हलीम घोटा सरकार घोट देंगे अपने को। चांस लेके देख रहा हूँ, पटी तो पटी, नहीं तो कैटरीना कैफ रेडी बोल के निकल जाना है। फिर शेरवानी का दीवाने बातें ना को कर, शेरवानी कैसे तो इतनी परेशानी झेल रहे, उसके बाहर कैसे जाते रहे? खाली बातों से नहीं मिलती, ढूंढना पड़ता, मेहनत करना पड़ता। फिक्र मत कर, शेरवानी के लिए सारा घर खोद देंगे। हाँ सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप। अरे फ्लास, तेरे से तो अमिताभ बच्चन अच्छा है, देख जाके धर्मेंद्र की शादी की बात कर रहा। बुरा नहीं तो उसमें क्या है, मैं भी कर सकता हूँ तुम्हारी शादी की बात, कलिज करता हूँ। ऐसा सही बोल रहा? अब ज्यादा मस्का नको मारो, कल जाता हूँ। जाके शादी की बात ऐसा कर कि उसका बाप सहरा लेके आ जाना गाते हुए, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। क्या बोलता देखिए, फिर यकीन करो मामू
मैं आपकी लड़की का अच्छा ख्याल रख लेता हूँ। दिमाग खराब हो गया खलील तेरा। जरा एक बार और अच्छा सोच लेना था। एक बार सोच लेना था? अरे हजार बार सोच लिया, चल निकल। इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा तुम्हें। भुगतना पड़ेगा? भुगतेंगे जा। भुगतो। ये लंगा भूखा मेरी बच्ची से शादी करता करते। वालेकुम चिच्चा। वालेकुम सलाम। आओ टीपू बैठो। फिर वही टीपू चिच्चा, घर में बेर का झाड़ रहा तो फतरे आते, बच्ची अगर रही तो रिश्ते आते। मगर ये पहाड़ कई को आया रिश्ते के सिलसिले में? तेरा रिश्ता तो नहीं लाया ना? अरे मेरा नहीं चिच्चा, मेरे उस्ताद का रिश्ता लाया। वो इस बोल रहा हूँ, कई को बोले तो मेरी बच्ची दुबली पतली है। वैसे तेरा उस्ताद करता क्या? मेरे उस्ताद हैदराबाद में टॉप के टेलर है। टेलर है? ड्राइवर रहता तो अच्छा रहता था। वैसे छोड़, तेरा उस्ताद शौखा क्या करता? शौखा छालिया भी नहीं खाते। छालिया भी नहीं खाता? इतना गरीब है तेरा उस्ताद। हाँ, अरे मेरे को रंगीला किस्म का दामाद चाहिए। गरीब शरीफ नहीं चलता। आप गया सो पुट्टे को देखा? और देखा, गांव का सबसे शरीफ पुट्टा है मगर कंगाल है। मेरे शौखा पूरे कर सकता रे उन्हें। कैसा दामाद हूँ? अरे मेरे को रंगीला किस्म का दामाद है तो देख, तेरे को भी कमीशन देता हूँ। एक बार उस्ताद को देख लेना था। अरे जा भाई जा, इफ्लासियों को देखे तो घर में इफ्लासी आती करते। अफसोस, मैं इतना समझाने के बावजूद भी आप एक अच्छे रिश्ते को ठुकरा रहे। बेचारे उस्ताद अब क्या कर लेते कि क्या नहीं। खैर चलता हूँ चिच्चा, देखेंगे फिर इंशाल्लाह। 35 साल में जमाना कितना चेंज हो गया। शोले की मौसी धमिंदर गुड़ है बोल के बसंती को नहीं दी, और ये मौसा गुड़दामत होना पड़ा। साहब माफ कर दो साहब, हम लोगों को, हम गरीब छोटे मोटे लोग हैं साहब। अब आप चंगेजी खानदान के दामाद है तो छोटे कैसा हो गए? हाँ, मैं चंगेजी खानदान का दामाद कब से हुआ रे? जब से इनकी बहन अनारकली आपको पसंद करने लगी। आपकी बहन मेरे को पसंद करे? वैसे ये कोई नई बात नहीं है, मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि लड़कियां मेरे को देखते ही दीवानी हो जाती है। सलीम, मेरे सलीम, कहाँ चले गए थे तुम? सलीम, शादी का मंडप छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? ये पागल कौन है भाई? अच्छा, ये पागल नहीं, हमारी बहन, आपकी होने वाली बीवी है। सलीम, मुझे सलीम, मेरे सलीम, सलीम। अरे भाई, इसको देखो, बैग घुमा के ऐसा खुश हो रहा जैसा ओबामा की बेटी से इसकी शादी हो गई। अल्लाह का शुक्र है भाई उड़ गए। इनको देखो नवाब साहब, रिलीफ कैंप में लोगा घर का फालतू सामान डाल के खुश हुए जैसा इन पागल बहन को मेरे गले डाल के खुश हो रही। अच्छा हुआ सलीम, तुम जिंदा हो गए सलीम, मैं बहुत खुश हूँ सलीम। और ये पागल, एक हैंडसम जवान मिल गया बोल के और पागल हो जा रही। छोटू मास्टर, तेरे से तो एक दिन चाइना वाल पे चुन्ना डालूंगा रे। अब ये लोगों से बचना है तो अपन भी पागल बनने की एक्टिंग शुरू कर देना। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आँखों ही आँखों में यारों का दिल खो जाता है। क्या दीवाने चाले कर रहा ना, आप सब से जूते खाता क्या? खबरदार खामोश रहो सबके सब। अरे नवाब, अकबर बीरबल को मेरे हवाले कर। दिलावर भाई, बहुत अच्छा करे दिलावर भाई, आप आ गए सो, मेरे को बचा लो दिलावर भाई, नवाब से मेरे को बचा लो। मरना नहीं। हे, पिस्तौल भरी हुई है। तुम लोग बचो। हे, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ए कालिया, कितना गोली है इसका अंदर? भाई मेरा नाम कालिया नहीं, टीपू है। जितना पूछा उतना जवाब दे रहे गेंडे, नहीं तो कल लोकल खबरनामे पे आ जाएगा। शाली बंडे के चौराहे पे एक मोटे शख्स का बेरहमाना कत्ल। पागल हो गया रे इन्हें। और तू 6,500 के जहेज पे 6.5 फीट की अलमारी फ्री, काम की ना काज की। आ गया आ गया डॉक्टर वाला, आ गया आला लेके, आ गया आ गया आ गया।
मेरा पेशेंट अच्छा हो गया, मेरा पेशेंट अच्छा हो गया, मेरा पेशेंट अच्छा हो गया। राय भी चाय, राय भी चाय, राय भी चाय। आम छू, इमली छू, काला रे बंगाला छू, आम छू, इमली छू। क्यों कैसा अच्छा कर दो तेरे को मैं दातर में चला ले तू मैं मैं चला कर तू दातर का कोका मत तेरे ए चला ले कर बात कर मैं बात कर मैं हेलो प्रश्न देख रहा हूं अभी आ रहा हूं ताव तेरे के क्या बात कर मैं ए चल जा सलीम सलीम मेरे सलीम ओके तुम आ गए सलीम जिंदाबाद जिंदाबाद ए मोहब्बत जिंदाबाद ए मोहब्बत जिंदाबाद। अब तुम अनारकली नहीं रही, फैल कर नौबत पहाड़ बन चुकी हो। जिल्ले इलाही ऐसी गेंडी भाव को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। फिर भी हम तुम्हें करीना कपूर की जिम ज्वाइन कराते हैं ताकि तुम्हारा साइज भी जीरो हो जाए। चलो हेरो, आप लोग का बाहर जाके मेरा ट्यूबर रोले बोल के किसको मैंने बोला क्या बोलो